नमस्कार बच्चों, कैसे हो? हाँ बढ़िया, सारे लोग हंसते मुस्कुराते दिख रहे हो ना, अच्छी बात है। लेकिन मनीष, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि तुम राजेश के यहाँ जाओ करके और जाके देखोगे कि वो बहुत देर से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है करके। क्या तुम गए थे? अच्छा गए थे। किसी से मुलाकात हुई उनके घर में? क्या कहा, ताला बंद है घर में? अच्छा तो कहाँ गए होंगे उन लोग सारे, यानी उनके मम्मी पापा, वो खुद भी? कुछ पता चला ऐसे आजू बाजू में? तुमने पूछा उनको? अच्छा हाँ, मतलब कहीं गए बता रहे हो, अच्छी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके पापा जी उसको लेकर के कहीं गए होंगे। ठीक, पर मम्मी भी गई हैं। बच्चों कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि वो प्रवास पर गए हैं, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है, ठीक है? ये जो प्रवास है ना, ये घूमने के लिए जब हम कहीं जाते हैं कुछ दिन के लिए तो भी प्रवास कहलाता है, और यदि हम अपनी जीविका अर्जन के लिए कहीं जाते हैं तो भी प्रवास कहलाता है। जानते हो? कैसे पता होगा? मैं समझ सकती हूँ आप लोगों को कि नहीं समझते, परंतु ऐसे ही हम आज चिड़ियों के प्रवास के बारे में पाठ को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम ही है प्रवास, ठीक है? तो विषय हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भारती, कक्षा 8वीं से हम पढ़ेंगे पाठ प्रवास। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं किस चीज की? प्रवास की, ठीक है? प्रवास तीन वर्ण है इसमें, ठीक है? एक है प्र, फिर वा और सक, तीनों मिलकर के बन गया प्रवास, ठीक है? प्र उपसर्ग है, वा शब्द है। प्रवास मतलब होता है कहीं जाना, ठीक? मैंने बताया ना कि इंसान भी जा सकता है, पशु पक्षी भी जा सकते हैं, ठीक है? तो ये जो पाठ है जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वह चिड़ियों से संबंधित पाठ है। अब इस पाठ को जो आप पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में सोच किसके दिमाग में आई होगी कि चिड़ियों का भी प्रवास होता है? किसने बताया होगा? क्या जानना चाहोगे? बिल्कुल मैं बताती हूं। जहां कहीं भी पक्षियों के अध्ययन और अवलोकन की बात चले, डॉक्टर सालिम की चर्चा ना हो यह संभव ही नहीं है। डॉक्टर सालिम एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञानी थे। सालिम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। वे भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफी मदद की। क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम पक्षियों से संबंधित बातें करते हैं हम सालिम अली जी को नहीं भूल सकते, क्योंकि सालिम अली वो पक्षी विज्ञानी है जिन्होंने पूरे भारत में या भारत भर की जितनी पक्षियां थी उन पक्षियों पर उन्होंने अनुसंधान किया, यानी खोज किया, जिसको आप रिसर्च कहते हैं। और चूंकि वो निरंतर करते रहे इस खोज को, इसलिए आज उन्हें हम बर्डमैन के रूप में जानते हैं, ठीक है? इस पैराग्राफ में एक शब्द आया है अवलोकन। बच्चों अवलोकन का मतलब होता है किसी भी चीज को देखना। मदद एक शब्द है, आप देख सकते हैं मदद का मतलब होता है सहायता करना, ठीक है? इस पूरे पैराग्राफ को अगर हम जानना चाहें कि इस पर हम कोई प्रश्न बनाना चाहें तो किस तरह से बनेगा कि सालिम अली को भारत में किस रूप में जाना जाता है? क्या बताएंगे आप? कौन बता रहा है? हाँ बताइए बताइए, चलिए चलिए, वो दो हाथ उठ रहे हैं पर ठीक है, मोहन बता रहे हो, बहुत सही कि सालिम अली को भारत में बर्डमैन के रूप में जाना जाता है या पक्षी विज्ञानी के रूप में जानते हैं। बिल्कुल सही। एक 10 वर्ष के बालक की बया पक्षी के प्रति साधारण सी जिज्ञासा ने उस बालक को यानी सालिम को पक्षी शास्त्री बना दिया। पक्षियों के सर्वेक्षण में 63 साल गुजार देने वाले इस शख्सियत को परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता था। इस पाठ में स्वाभाविक रूप से प्रवासी पक्षियों के जीवन, उनके प्रवास की चुनौतियों और रोमांच को सहज रूप में प्रस्तुत किया गया है। बच्चों इस पैराग्राफ में सालिम अली जी के बारे में थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं कि सालिम अली जी जब 10 साल के एक छोटे बच्चे थे, मासूम
जब वो बच्चे के रूप में थे जैसे आपके जैसे, तो उसी समय उन्होंने एक बया पक्षी को देखा और बया पक्षी को उड़ते फिरते चलते खाते पीते देखकर उनके मन में एक जिज्ञासा आई कि ये पक्षियां करती क्या हैं, कैसे चलती हैं, क्या खाती हैं, कहाँ रहती हैं, कहाँ चली जाती हैं, क्यों दिखती हैं, क्यों नहीं दिखती हैं, और ये सारी जो बातें हैं वो जिज्ञासा के रूप में उनके मस्तिष्क में आती गई। और फिर उस बालक ने लगातार जो है अध्ययन करना शुरू कर दिया और 65 साल की उम्र तक वो लगभग पक्षियों के बारे में अध्ययन वो करते रहे, इसीलिए उन्हें बर्डमैन के रूप में माना गया। ठीक है, कुछ शब्द आए वहां पर देख लीजिएगा, जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब है जानने की इच्छा, सर्वेक्षण, सर्वेक्षण का मतलब होता है खोज, शख्सियत किसके लिए कहा गया है, साली मनी जी के लिए, शख्सियत का मतलब क्या होगा, व्यक्तित्व, परिंदा एक शब्द आया है, परिंदा मतलब आप जानते हैं चिड़िया, पक्षी, खग, ठीक, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। तो मूल शब्दों का भी हमने बता दिया आपको। ठीक है, पक्षी विज्ञान से संबंधित जितनी विचित्र बातें हैं उनमें सबसे ज्यादा अजीब है पक्षियों का एक देश से उड़कर दूसरे देश को जाना और फिर लौटना, अर्थात कुछ समय के लिए उनका प्रवास, यह अजीब बात अब भी रहस्य बनी हुई है। पाठ अब हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। अब सारी अली जी ने जो अध्ययन किया हुआ है उस अध्ययन को हम देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, कि मतलब पक्षियों को लेकर के यदि हम अध्ययन करते हैं तो एक बहुत सी विचित्र, मतलब बहुत बड़ी विचित्र बात यह आती है कि ये पक्षी एक देश से उड़ करके कहीं जाते हैं, कुछ दूसरे देश में बहुत दिन तक या कुछ दिन, दोनों तरह रहते हैं ना, कुछ दिन तक रहते हैं कुछ पक्षियां, अभी हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे आप देखेंगे, तो कुछ पक्षियां कुछ दिन तक बाहर रहती हैं और कुछ पक्षियां ऐसी हैं जो बहुत दिन तक बाहर रहती हैं और वापस जो है वो अपनी जगह आती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, यदि हम कहें, सारी मरी जी कहते हैं कि आज भी ये रहस्य का विषय है, रहस्य बनी हुई है। ठीक है, आगे हम देखते जाएंगे कि रहस्य क्यों है। साल में दो बार बसंत और पतझड़ में लाखों चिड़िया किसी सुनिश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान करती हैं, कभी वे महाद्वीप और महासागर तक पार करती हैं। दो प्रमुख शब्द आ रहे हैं, प्रस्थान यानी जाना। ठीक है, अब यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि लाखों चिड़िया हैं, भारत है तो भारत इस देश में एक या दो तो होंगी नहीं, तो लाखों चिड़िया हैं और ये लाखों चिड़िया में से बहुत सारी चिड़िया जो है अपने एक सुनिश्चित स्थान को छोड़ती हैं और दूसरे सुनिश्चित स्थान तक पहुंचती हैं, और उस यात्रा में जाने के लिए इन लोग महाद्वीप को भी पार करती हैं और महासागर को भी पार करती हैं। महासागर को आप लोग जानते हैं कौन कौन से हैं, सागर भी आप जानते होंगे, महासागर कौन से हैं, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है। ठीक है, आप भूगोल भी पढ़ते होंगे ना, क्योंकि आप आठवीं पढ़ रहे हैं तो भूगोल भी तो आप जानते हैं, और भूगोल के अंतर्गत जब हम नक्शा देखते होंगे तो नक्शे में महासागरों का उल्लेख भी आप पाते होंगे। ठीक है, तो महासागरों को भी ये पार करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये चिड़िया प्रवास पर कब जाती हैं, अभी आपने सुना है, बता सकते हो, हाँ बताओ, बिल्कुल सही, बसंत और पतझड़ में ये चिड़िया प्रवास पर जाती हैं, बिल्कुल सही उत्तर, बहुत ध्यान से सुन रहे हो ना, अच्छी बात है बच्चों। अब ऐसा क्या है जो उन्हें इस यात्रा के लिए मजबूर करता है, क्यों वे ऐसी खतरनाक यात्राओं के खतरे मोल लेना चाहती हैं और कैसे उन्हें पता लगता है कि किस रास्ते से होकर जाना चाहिए, इन बुनियादी सवालों का अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है। क्या कहना चाह रहे हैं, साली अली जी के इस अनुसंधान से एक रहस्य उत्पन्न होता है कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए जो है वो चिड़िया यात्रा के लिए जाती हैं, और केवल यात्रा पर जाती नहीं है बल्कि खतरा भी मोल लेती है। दूसरी बात यह भी समस्या है कि उन्हें किधर से जाना है ये पता कैसे चलता होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बुनियादी सवाल, बुनियादी सवाल का मतलब क्या है, एक पहला ही सवाल निकल करके आता है कि क्यों ये सारे काम जो है वो चिड़िया करती हैं, और इसका अभी तक कोई उत्तर लेखक को प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि सावधानी से किए गए कुछ प्रयोगों और प्रवासी चिड़ियों की घेराबंदी के परिणाम स्वरूप अब हमको पहले की अपेक्षा काफी अधिक तथ्य ज्ञात हो चुके हैं। चिड़ियों के इस प्रवास की खास बात यह है कि इन दोनों स्थानों के बीच उनका आवागमन बिल्कुल नियमित होता है। सारी मनी जी ने कहा या लेखक ने कहा
कि रहस्य है, किस बात की रहस्य है, बुनियादी सवाल उठे यहाँ पर उठते हैं कि क्यों जाती है, कहाँ जाती है, किस लिए जाती है। लेकिन एक चीज निश्चित हो चुका है यहाँ पर कि इनका जो आवागमन होता है, आवागमन का मतलब क्या होता है, आना और जाना, उसको कहते हैं आवागमन। ये जो उनका आना जाना है वो बिल्कुल नियमित, नियमित मतलब रोज, बिल्कुल निश्चित होता है, नियमित मतलब रोज होता है। लेकिन यहाँ पर इस नियमित का मतलब क्या हुआ कि लगातार से है ना, कि इनका आवागमन जो है वो लगातार लगा रहता है। तो खास बात यहाँ पर यही निकलती है। बच्चों एक और खास बात है, वो क्या है कि उनकी यात्राओं की भविष्यवाणी तक की जा सकती है, जिसमें एक हफ्ते या उससे कम का ही आगा पीछा हो सकता है। चिड़िया लौटकर उन्हीं क्षेत्रों, प्रायः उसी बाग अथवा खेत में आ जाती हैं। यही उनके गर्मी और जाड़े के निवास होते हैं और उनके बीच हो सकता है कई हजार मील तक का फासला हो। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, फिर से ध्यान दीजिएगा कि जो चिड़िया प्रवास पर जाती हैं, उन प्रवासी चिड़ियों को लेकर के भविष्यवाणी तक की जा सकती है। भविष्यवाणी मतलब भविष्य ने आने वाला कल, वाणी ने अपनी वाणी जो हम बात करते हैं, तो आने वाले कल के लिए भी उस पर कुछ टीका टिप्पणी की जा सकती है। और ये जरूर है कि थोड़ा आगे पीछे वो हो सकता है। एक सबसे मजेदार बात ये है कि चिड़िया जब जाती है और जब लौट कर वापस आती है, तो सबसे खास बात यहाँ पर ये हो रहा है कि वो उसी खेत पे आएंगी, उसी बाग पर आएंगी जहां से चल करके गई होती हैं, ठीक है। उनकी गर्मी और जाड़े के जो निवास होते हैं, मतलब गर्मी के समय जहां पर वो रहती हैं और कुछ कम जाड़े में जहां पर वो निवास करती हैं, ठीक उन्हीं जगह वापस आती हैं, चाहे भले ही जहां वो गई हो और जहां ये थे दोनों के बीच में हजार मील तक का फासला क्यों न, यानी कई किलोमीटर या कई मील जाने के बाद भी जब ये पलट कर आती हैं तो ठीक उसी जगह पर आती हैं जहां पर ये रहती हैं, ठीक है। हम चाहें तो प्रश्न के रूप में इसे पूछ सकते हैं कि चिड़िया प्रवास से लौटकर कहां जाती है, ठीक है। अभी मैंने आपको उत्तर बताया है ना, बिल्कुल इस उत्तर को आपको लिखना होगा जब कभी आपसे कोई प्रश्न पूछे, तो लिखना भी हो सकता है, अगर कोई पूछते तो आपको जवाब देना हो सकता है, ठीक है। पहला सवाल जो दिमाग में आता है वह यह है कि कुछ प्रजातियों की ही चिड़िया प्रवास के लिए क्यों जाती हैं, अन्य क्यों नहीं जाती। जवाब हो सकता है कि उन प्रजातियों के लिए उनका जीना इस प्रवास पर भी निर्भर करता है, अन्य प्रजातियों के लिए नहीं। इस पंक्ति के माध्यम से हम क्या जानना चाह रहे हैं या क्या पता चल रहा है कि सभी चिड़िया जाती हैं क्या प्रवास पर, बिल्कुल नहीं। कुछ प्रजातियों की चिड़िया ही प्रवास के लिए जाती हैं। सालिम अली के मन में भी यही प्रश्न था कि कुछ ही चिड़िया यानी कुछ ही प्रजाति की चिड़िया प्रवास पर क्यों जाती हैं, अन्य क्यों नहीं जाती, मतलब पूरे के पूरे क्यों नहीं जाती हैं। जवाब तो नहीं है क्योंकि ये पक्षियां जवाब दे नहीं सकती हैं, ठीक है, और हमको केवल अनुमान लगाना है। तो अनुमान क्या लग सकता है कि शायद वो जो जानने वाली चिड़िया है, जिन प्रजाति की चिड़िया जाती हैं, शायद उन चिड़ियों को जाना जरूरी होता है या प्रवास के बिना इनका जीवन दुभर हो सकता है, इसलिए चिड़िया प्रवास पर जाती हैं। कुछ प्रजातियों के लिए जीने की यह शर्त नितांत अनिवार्य न होकर सिर्फ मान्य होती है, क्योंकि उनके कुछ सदस्य तो प्रवास पर जाते हैं और शेष वही बने रहते हैं। उनकी आबादी का एक भाग ही प्रतिवर्ष प्रवास पर जाता है और अन्य वही रहते हैं। ठीक उसी बात को फिर से दोहरा दिया गया है बच्चों यहाँ पर कि कुछ प्रजाति की चिड़िया जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी चिड़ियों को प्रवास पर जाना अनिवार्य नहीं है। जैसे हम लोग जब घूमने के लिए जाते हैं ना, कोई जरूरी नहीं कि पूरे घर के घर उठ करके जाए, है ना। कुछ लोगों को हम घर में रख देते हैं, क्यों रख लेते हैं, क्योंकि घर की सुरक्षा भी हो जाती है। या कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे गए हैं, सारे एक्सीडेंट हुए तो सारे के सारे जाने वाले हैं, इसलिए बेहतर ये होगा कि एक दो मेरे परिवार के घर के अंदर बैठ रहे हैं, हम ये सोचते हैं ना। तो क्या मानव मात्र सोचता है, नहीं, मानव मात्र नहीं सोचते हैं, चिड़ियों के पास भी यह समझ है, यह भी शायद सोचती होंगी, यह भी एक अनुमान है बच्चों, ठीक है। तो उनके कुछ सदस्य उसी परिवार में वहां पर रह जाती है। अब हम ये देखेंगे कि वास्तव में चिड़िया प्रवास पर क्यों जाती हैं और कहां जाती हैं। दो प्रश्न यहां पर निकल के आता है
तो हम देखेंगे कि प्रवास पर ये चिड़िया क्यों जाती हैं। कुछ चिड़िया सख्त जाड़े से घबराकर अपेक्षाकृत कम ठंडे स्थानों की ओर उड़ जाती हैं और गर्मी शुरू होने लगती है, लौटकर अपने देश आ जाती है। पहली बात ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ चिड़िया सख्त जाड़े से घबराकर, बच्चों सख्त मतलब होता है कठोर, लेकिन यहां पर जाड़ा तो कठोर नहीं होता है ना, तो हम क्या कहेंगे, बहुत अधिक ठंड, ठीक है, जिसमें हम कपकपाने लगते हैं, गाल बजने लगते हैं, उसको कहते हैं सख्त जाड़ा, ठीक है। अब ये लेखक के शब्द है, ये शब्द को हम बदल नहीं सकते हैं, है ना। तो ऐसे जाड़े से घबरा कर ये जो चिड़िया है वो वहां से उड़कर चली जाती है, और जहां जाड़ा कम, मतलब ठंडी जहां पर कम पड़ती है, ऐसी जगह पर चिड़िया चली जाती ताकि आराम से वहां पर रह गए, और जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो वहां पर गर्मी बढ़ने लग जाती, इसलिए वो वापस अपने जगह पे आ जाती है, क्योंकि बहुत ठंडी थी पहले, अब वो थोड़ी थोड़ी कम हो गई होंगी तो थोड़ी ठंडकता बनी होगी ना, तो उनको थोड़ी कम ठंडकता में रहने की आदत है, इसलिए जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो उड़ करके वो चली जाती है कम ठंडे जगह पर, और जब गर्मी बढ़ने लगती है तो वह स्थान जब गर्म होने लगती है तो वापस अपने जगह पर ये चिड़िया जो है लौट करके आ जाती है। तो पहला मुद्दा क्या हुआ, ठंड से बचने के लिए, ठीक है, हाँ बहुत सही, याद रखना मैं प्रश्न करूंगी आप सभी से, है ना। दूसरा मुद्दा क्या है कि परिवार के भरण पोषण के लिए तमाम तरह के कीड़े मकोड़े उपलब्ध होते हैं, पेड़ों पर नई नई खोपले कलियां फूल खिलने लगते हैं। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, मुद्दा क्या है, परिवार के भरण पोषण के लिए, प्रश्न यहाँ पर यानी उत्तर यहाँ खत्म हो जाता है, यानी चिड़िया अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी जाती है। जैसा अभी तुमने बताया ना, मैंने कहा था ना मोहन तुम देख करके आओगे, कि तुमने बताया कि घर में ताला लगा हुआ है तो ये कहाँ गए हैं, प्रवास के लिए। प्रवास क्या है, कमाने खाने के लिए। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है ना कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, जब हमारे पास कमाने के लिए जगह नहीं होती है, काम नहीं मिलता है हमको अपने प्रदेश में, तो हमारे अपने भाई बंधु हैं कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, इलाहाबाद चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, मध्य प्रदेश चले जाएंगे, और वहां वो कमाते खाते हैं, फिर वहां से वापस आते हैं, ठीक है, पैसे वगैरह लेकर के। तो ठीक ऐसे ही चिड़ियों का परिवार भी कमाने खाने के नाम से चली जाती है, और जब ये वापस आती हैं तो वापस आते तक यहाँ इनको फिर वो चीजें मिलती हैं, कौन सी, क्या खाते हैं लोग, कीड़े मकोड़े, बिल्कुल सही, तो कीड़े मकोड़े यहाँ पर दिखने लगती हैं। दूसरी बात क्या है, जो पेड़ है हमारे जंगली प्रकृति बहुत है ना, तो हमारे जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें नई नई कोपले आ जाती है। कोपल किसको बोलते पता है, हाँ छोटी छोटी पत्तियां जो आती है ना, रंगीन कलर की जो आती है, हरा होने के, यानी हरा तो बाद में होता है, हरा होने के पहले जो कलर होता है ना, एक भूरा भूरा निकलता है, कुछ पीली पीली पत्तियां होती हैं, फिर वो कुछ और कलर की कॉफी कलर हो जाती हैं, तो वो जो कोपले हैं, बारीक बारीक जो पत्तियां निकलती हैं, बहुत सारी सुंदर जो दिखती हैं, वो कलियां होती हैं, कोपले होती हैं, फिर कलियां बनती है, तो उसमें खिल फूल खिल उठते हैं, तो ये सारी चीजों को भी चिड़िया खाती है। आपने देखा होगा कि डाल पर चिड़िया बैठी होती है और पत्ते को अपने चोंच से नोचती रहती है, ठीक है, तो उसमें कोई तत्व ऐसा होता होगा ना जिससे उनको उनके लिए खाना जो है बहुत जरूरी हो जाता है, तो वो खाती हैं, ठीक है। तो जब ये वापस आती हैं तो इनको फिर भरण पोषण की सामग्री इनके जगह में मिलती है, और पहले कमी हो जाती है इसलिए भरण पोषण के लिए चली जाती हैं। तो दूसरा बिंदु था आपका परिवार के भरण पोषण के लिए। तीसरा और एक अहम महत्वपूर्ण बात यह है कि अंडे देने के लिए, यानी चिड़िया जो है जिस जगह होती है वहां अंडे नहीं देती, आपको पता है ना चिड़िया अंडा देती है, अंडा देती है फिर उसमें चूजे निकलते हैं, और फिर वही चूजे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाती, फिर से चिड़िया बन जाती है, ठीक है। तो अंडे देने के लिए इनको सुरक्षित जगह हो चाहिए होती है, इसलिए निकल कर चली जाती है। इसमें तो बच्चों यहाँ सारी बनी जी ने नाम तक दिया है, देखिएगा कि रोजी क्रिस्टल नाम की जो चिड़िया होती है वो मध्य एशिया में अंडे देती है, भारत में से मई में चली जाती हैं और अगस्त में फिर लौट कर आती हैं। मतलब भारत की रहने वाली जो रोजी क्रिस्टल नाम की जो चिड़िया है वो मध्य एशिया में जाती है। अब सवाल ये उठता है कि भारत कहाँ पे है, भारत भी तो एशिया में है ना, लेकिन नीचे है, ठीक है, यानी एशिया के निम्नतर स्थान पे भारत है, यदि आप नक्शा देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे, इसलिए इनको वहां परेशानी होती है, तो वो एशिया के बीच भाग में चली जाती हैं और वहां अंडे देती हैं, और जब उनका बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो लेकर के वापस मई के महीने में उसी जगह पर आ जाती हैं, ठीक है।
तो मैं एक प्रश्न यहाँ पर कर सकती हूँ, लिखा नहीं है लेकिन पूछ तो सकती हूँ कि चिड़िया क्यों जाती है प्रवास पर, बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही, पहली बात तो ये है कि ये जाले से घबरा कर जाती है, बहुत बढ़िया। दूसरा कोई और बताएगा, कौन बता रहा है? हाँ राजू बता रहा है, ठीक। परिवार के भरण पोषण के लिए जाती है, ठीक। हाँ कौन? सलीमा हाथ उठा रही है। हाँ क्या बता बता? अंडे देने के लिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्यों जाती है आपने समझ लिया, अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ जाती है, ठीक। अब ये है कि गर्मी खत्म होते होते बच्चे यानी बड़े हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, और पतझड़ के बाद पहली सर्दी के पड़ते ही चिड़िया प्रवास पर चल देने को तैयार हो जाती हैं। और कुछ चिड़िया समय भी लेती है, ज्यादा समय भी लेती है, और वे मार्च में आ जाती हैं और सितंबर में लौटती हैं। यानी यहाँ पर समय के बारे में बता रहे हैं कि मध्य एशिया में गई है, तो उन्होंने बता दिया। अभी हम आगे और देखेंगे और कहाँ कहाँ वो जाती हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है बच्चों कि जब गर्मी खत्म होती है, हमने पढ़ा ना कि रोजी पेस्टर जो है मध्य एशिया जाती है, और जाने के बाद गर्मी में वापस आती है। गर्मी में वापस क्यों आ गई? क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो बच्चे जब बड़े हो चुके होते हैं और खाना पीना जब जानना वो शुरू कर देते हैं, अपने से जब वो खाना शुरू कर देते हैं, तो वापस अपने जगह पर ये आ जाते हैं, ठीक है। पतझड़ के बाद जो पहली सर्दी पड़ती है, तो उस समय ये चले जाते हैं और बाद में वापस आ जाती है, ठीक है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि सारी चिड़िया जो है वो पतझड़ में जाएं और सर्दी में वापस आएं, ऐसा नहीं है। नियत यानी कि निश्चित कोई भी चीज यहाँ पर नहीं है। जैसे हमारा खाना पीना निश्चित नहीं रहता है ना, आगे पीछे हो जाता है कहने के बाद भी, ठीक वैसे ही चिड़ियों का संसार भी होता है। यहां तक तो ऐसा लगता है बच्चों कि इन कठिन प्रवास यात्राओं का निश्चित महत्व है, और शायद जो चिड़िया प्रवास पर जाती हैं उनके लिए कुछ हद तक यह आवश्यक भी है। लेकिन उलझन में डालने वाली बात यह है कि कुछ चिड़िया प्रवास पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को लगभग उसी अक्षांश पर लगभग उसी प्रकार के जलवायु वाले प्रदेशों में अंडे देने के लिए जाती हैं। क्या कह रहे हैं यहां पर कि ये तो तय है कि ये चिड़िया जाती हैं और ये प्रवास बड़ा कठिन है बच्चों। कठिन कैसा है मान पाएंगे, इनकी प्रवास यात्रा बहुत कठिन होती है, लेकिन जाती तो है क्योंकि जीवन यापन करना है, अंडे भी देना है। लेकिन सबसे एक जो उलझन वाली बात है या रहस्य वाली बात है या रोमांच वाली बात है कि जब चिड़िया यहां से जाती हैं, यानी भारत से जब चिड़िया बाहर जाती हैं, तो ठीक उसी अक्षांश पर जाती हैं। क्यों उसी अक्षांश पर जा रही हैं? क्योंकि एक ही अक्षांश पर रहने वाले सभी देशों की जलवायु एक जैसे होती है, इसलिए एक ही प्रकार के जलवायु वाले जगहों पर ये अपना जाना सुनिश्चित करती हैं, क्योंकि इन्हें वहां जाकर अंडे देना है। तो जैसे हम जाते हैं, हम कहीं जाते हैं ना, तो हम अपने बराबर वाले लोगों के घर में जाते हैं ना, अपने लोगों के घर में जाते हैं, अपने चाचा, अपने बुआ, अपने मामा, हम किसी पराए के घर में तो नहीं चले जाते हैं। और जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। जहां हमारा दिल लगता है, जहां हमारा मन लगता है, जहां हम रह सकते हैं, खा सकते हैं, अनुकूल जगह देखते हैं बच्चे, वहीं हम जाना पसंद करते हैं। आप भी पसंद करते हो, ठीक वैसे चिड़िया भी अपने लिए अक्षांश तय करती हैं, तब ये चिड़िया वहां पर जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चिड़िया हैं जो प्रवास के नाम पर सिर्फ कुछ मील दूर ही जाती हैं, और इसी स्थिति में यह समझ पाना मुश्किल होता है या हो जाता है कि इस प्रकार के स्थानीय प्रवास पर क्यों इतने आवश्यक होते हैं और उनके लिए किस प्रकार लाभप्रद हो सकते हैं। अब यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ चिड़िया ऐसी भी हैं जो प्रवास के नाम पर एकदम करीब जाती हैं, बहुत पास, और वहां जाकर के वहां से वो वापस आ जाती हैं। मतलब प्रवास का मतलब बहुत दूर नहीं है। जैसे रोजी पेस्टर भारत में यानी एशिया के निचले हिस्से में भारत है, और इस भारत से चिड़िया उड़ करके मध्य एशिया तक जाती है, मतलब कितनी अधिक दूरी वो तय करती है। तो क्या सभी चिड़िया इतनी दूर जाती हैं? नहीं, कुछ चिड़िया ऐसी भी हैं जो एकदम करीब में जाती हैं, यानी बहुत पास में जाती हैं, जिसको हम स्थानीय प्रवास कहते हैं। मतलब क्या निकल गया? प्रवास दो तरह का हो गया, एक हो गया दूर का प्रवास और दूसरा हो गया पास का प्रवास, और पास के प्रवास को हम कहेंगे स्थानीय प्रवास। तो हम ये भी देखेंगे कि स्थानीय प्रवास क्यों इनके लिए लाभप्रद और कैसे हो सकता है।
उदाहरण के लिए, यानी कौन करता है स्थानीय प्रवास उसकी बात बता रहे हैं सारी मंदिर जी, कि मुंबई में पीलक और पतरेंगे मानसून के दौरान शहरी इलाका छोड़कर थोड़ी दूर दक्षिण के पठार या मध्य भारत की ओर चले जाते हैं और सितंबर के शुरू में जरूर लौट आते हैं। इस संबंध में हम सिर्फ इतना ही मानते हैं कि स्थानीय प्रवास के लिए थोड़ी दूर के लिए बड़ी संख्या में चिड़िया का घेरा करके, इन्हें चिड़ियों जो है वो घेरा बना देती हैं और घेरा करके इनके आवागमन के बारे में सही आंकड़े न इकट्ठा कर लें, कोई सही जानकारी हो नहीं सकती। मतलब जो स्थानीय प्रवास पर जो चिड़िया गई हुई है, मतलब बहुत पास में गई है, कौन सी चिड़िया जाती है बहुत पास में, पीलक और पतरंगे, ठीक है। तो पीलक और पतरंगे जो है जो मुंबई के पास में, मुंबई भी कहते हैं बंबई भी कहते हैं, बच्चों ध्यान रखना बंबई आप लगातार सुनते रहे होंगे लेकिन वर्तमान में उसको हम क्या कह रहे हैं, मुंबई, ठीक ठीक है। तो ये क्या करती है, अपने उस समुद्री इलाके को छोड़ती है, मुंबई में समुद्र है ना, आपने चित्र में देखा होगा, फिल्म देखते होंगे, बिल्कुल सही, टीवी में देखते होंगे, तो समुद्री का समुद्र वहां पर है, तो समुद्र के कारण वहां ठंड होती होगी, इसलिए यहां से उड़ते हैं और वो दक्षिण के पठार में वो चले जाते हैं या मध्य भारत में भी जो भी चले जाते हैं। तो मध्य भारत में आना मतलब कहां रहे, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। दक्षिण के पठार या मध्य भारत की ओर जाते हैं, तो भारत के बीचों बीच में है ना, छत्तीसगढ़ हृदय स्थल कहलाता है भारत का, बच्चों आप जानिए इस बात को, ठीक है। तो ये यहां आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि यदि इन चिड़ियों के लिए घेरा बना करके अगर इन पर रिसर्च यानी अनुसंधान ना किया जाए, यदि आंकड़े इकट्ठा ना किए जाए, तो शायद इसके बारे में सही जानकारी नहीं हो सकती कि स्थानीय प्रवास कितनी चिड़िया करती हैं, मतलब इनके आवागमन यानी कितनी चिड़ियों का आवागमन स्थानीय होता है, ये अभी बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पर भी काम जो है वो निसंदेह जारी है, ठीक है। मानसून के दौरान मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, अभी आपने सुना है, तो मानसून के दौरान कौन सी चिड़िया इलाका छोड़कर जाती है, सुना होगा आप सभी ने, तो आप बता पाओगे, नहीं सुने हो नहीं बता पाओगे, हाँ 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 सारे बच्चों का हाथ उठा, ठीक 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 पता है, बहुत आसान सा उत्तर है ना, मुंबई से जाती है चिड़िया, ठीक। चलिए बच्चों आपने देखा कि मानसून से वहां से चली जाती है चिड़िया, बंबई से निकल करके दक्षिण के प्रधान या मध्य भारत में, यहां तक आपने पार्ट को देखा, ठीक है। ये हमारा भाग एक था, पार्ट बहुत लंबा है, ठीक है, हम एक ही दिन में नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर पार्ट को क्या करते हैं, हम रुकेंगे, ठीक है, हम दूसरे दिन आगे पार्ट पढ़ेंगे। हमने लगातार आपसे प्रश्न किया है हम जानते हैं, लेकिन फिर भी पूरी पाठ पर आपकी समझ किस तरह से बनी है बच्चों, क्या मैं प्रश्न करूं आपसे, हाँ ठीक। अब बताइए आप प्रवासी चिड़िया किन्हें कहते हैं, हाँ कौन बता रहा है, ठीक है, जो चिड़िया अपने निश्चित स्थान को छोड़ करके कहीं दूर या कहीं पास रहने के नाम से चली जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रवासी चिड़िया, बहुत बढ़िया। चिड़िया यात्रा क्यों करती हैं, हाँ आप सभी ने उत्तर दिया था ना एक एक करके, वही उत्तर आएगा दोहरा दो एक एक कर करके, बिल्कुल सही, एक तो ठंड से, कौन से ठंड से, अधिक ठंड से बचने के लिए जाती हैं, एक क्या करती हैं अपना जीवनचर्या गुजारने के लिए जाती हैं, और एक क्या करने जाती हैं अंडे देने के लिए जाती हैं, ठीक है, ये तीन वजह हमने आपको बताया था, बिल्कुल सही। चिड़ियों के प्रवास से संबंधित सबसे विचित्र बात क्या है, कौन बताएगा, याद आ रहा है मैंने बताया है आपको, अच्छा चलिए बहुत समय नहीं लेती आपका, मैं खुद बता देती हूँ, सबसे खास बात यह है कि चिड़िया जहां से जाती है यानी जिस जगह वो रहती है उनका वास होता है, जब प्रवास पर जाती हैं तो वापस उसी खेत उसी जगह पर ये लौट करके आती हैं, यह सबसे रोमांचक और खास बात है, बहुत बढ़िया। मुंबई के पीलक और पतरिंगे प्रवास के लिए कब और कहाँ जाती हैं, मानसून के समय में जाती हैं, और ये जाती हैं दक्षिण के पठार या फिर मध्य भारत में, ठीक है। अब ये आपके लिए अभ्यास कार्य है, अभी तो आप उत्तर नहीं दे सकेंगे लेकिन फिर भी आप हाथ उठा के मुझे बता सकते हैं कि पक्षियों का एक स्थान से, मतलब आपको हाय नामी उत्तर देना करना कुछ नहीं है, ठीक है, मजा आएगा आपको, तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि पक्षियों का एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान को जाना
प्रवास कहलाता है, हाँ या ना? कौन बताएगा? अरे बाप रे, सारे सभी लोगों के हाथ उठ रहे हैं। बिल्कुल सही, हाँ। उनकी यात्राओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, कौन बताएगा, हाँ या ना? अरे सभी के हाथ उठे भाई, बहुत सही, हाँ। रूजी पिस्टन मध्य यूरोप में अंडे देने जाती हैं, अब बताइए हाँ या ना? देखो भाई, हमारे हिमांशु भी बता रहे हैं ना, वेरी गुड। प्रवास पाठ के लेखक श्री जगदीश चंद माथुर हैं, हाँ या ना? बोलो बोलो, सोचो सोचो, पुस्तक है ना हाथ में, हाँ खोलो देखो, चलो खोलो देखो और आप सोचते रहो हाँ या ना। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को करने के पीछे भी कारण ये था कि जब भी आप कोई पाठ को पढ़ते हैं तो आप यह जानें कि उस पाठ को लिखा किसने है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आप पढ़ते चले जाएंगे, जब आप भविष्य में परीक्षा वगैरह देंगे ना तो यही सारी पाठ आपके सामने रखेंगे प्रश्न में कि प्रवास पाठ के लेखक कौन है, या जगदीश चंद्र माथुर ने सलीम अली को लेकर कौन से पाठ लिखा, या सलीम अली जी कौन थे, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसलिए जब आप बहुत कम उम्र में हैं तभी से अपने इस प्रकार से अध्ययन को आप शुरू रखें, ये आपका गृह कार्य है। ठीक है, क्या है? प्रवास शब्द का प्रयोग पाठ में हुआ है, पाठ का नाम ही प्रवास है। ठीक है, जिसका सामान्य अर्थ है परदेश की यात्रा अथवा सफर। मैंने पहले बताया ना, कोई कहीं जाता है उसको प्रवास कहते हैं, कोई जरूरी नहीं कमाने खाने के लिए जाए, हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं वो भी हमारा प्रवास है। ठीक है, हम ड्यूटी में कहीं जाते हैं तो भी हमारा प्रवास है। ठीक है, सफर, सफर करना मतलब यात्रा करना, सफर उर्दू है ध्यान देना, ठीक है, यात्रा हिंदी है। तो यात्रा या सफर, आप अपने प्रवास या यात्रा के लिए कौन कौन सी तैयारी करेंगे, एक सूची बनाइए। मतलब यदि आपको, हम ये कहते हैं कि हमें कल घूमने के लिए नरसिंहनाथ जाना है और दो दिन वहां रहना है, हम वहां पर डैम भी देखेंगे, ठीक है, या हम वहां रुकेंगे, या आगे हम उड़ीसा तरफ चले जाएंगे और वहां हम हीराकुद डैम भी देख करके आएंगे। तो इस तरह हमारी यात्रा तीन दिन की हो रही है बच्चों, आप कैसे तैयारी करेंगे आप मुझे बताएंगे जब मैं आगे का ये हिस्सा आपको पढ़ाऊंगी तब। ठीक है, दूसरा प्रश्न मेरा है कि बहुत सारी यात्राएं कठिन और थकाऊ होती हैं, आप सबने भी इसका अनुभव किया होगा, आप अपना अनुभव लिखिए, ये आप लिखते रहेंगे क्योंकि यात्रा बहुत सरल सहज नहीं होता बच्चों। ठीक है, जब हम ट्रेन में सवार होते हैं, हमको सीट मिल चुकी होती है, सब हमारे अपने लोग होते हैं तो बड़ा मजा आता है। ठीक है, बस में बैठते हैं पैर लंबा करते नहीं बनता, मजा नहीं आता है, ट्रेन में अच्छा लगता है। तो हर वाहन पर यात्रा में सुख अलग मिलता है, पैदल जाने वालों को आप कांवड़िया वगैरह देखते होंगे ना त्योहार के समय में, उनको कैसा लगता है, उनकी यात्रा थकाऊ होती है, कठिन होती है, क्या होती है, आप सबसे अलग 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 पूछिए। यहाँ मैंने जो प्रश्न आपको दिया है उसके पीछे यही है कि आपका अनुभव, मतलब आप दूसरे के अनुभव को भी आप अनुभव में लेंगे अगर आप नहीं निकले हैं तो, और यदि आप जाते रहे होंगे अपने पेरेंट्स के साथ में तो आपको कैसा अनुभव लगा आप कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, और संभाल के रखेंगे भाई, ये ध्यान रखना। तीसरी बात यह है कि आप अपने परिवेश में तमाम तरह के पक्षियों को देखते होंगे, तमाम तरह के मतलब बहुत सारी पक्षियां, नाम तो आप नहीं जानते, मैं खुद नहीं जानती, आपसे आगे क्या करूं। ठीक है, तो जितनी तरह की पक्षियां आपको दिखती हैं, नीली पीली बैंगनी गुलाबी, ठीक है, वो जैसी पक्षियां दिखती है, नीलकंठ हम दशहरा के समय में देखते हैं, तो ऐसे कुछ पक्षी को तो आप जानते होंगे, वो पक्षी जो हमेशा घोंसला बना करके घोंसले में रहती है उनको आप देखते होंगे, घर में आंगन में लगातार आ जाती पक्षी उसको आप देखते होंगे। तो कितने तरह की पक्षी को आप देख पाते हैं, आप उनको एक सूची बनाएंगे, नाम लिखिए, और जब आप क्लास में रहेंगे जब जाएंगे तो आप अपने शिक्षक को बताइएगा और सभी दोस्त मिलकर के किसने किस तरह की पक्षी देखी है उस पर आप लोग चर्चा करेंगे, और न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि अपने अपने अनुभव को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो आपने पढ़ा है यानी सुना आज मुझसे, इसे आप घर जाकर दोहराइएगा पढ़िएगा, और उसके बाद फिर हम बाद में आगे यानी पाठ के अगले हिस्से को हम देख पाएंगे। धन्यवाद।